ड्रग और नशा माफिया के खिलाफ जो अभियान कांग्रेस ने बिलासपुर में शुरू किया था, उसको लेकर ड्रग माफिया ने मुझ पर जान से मारने की धमकी मिली है। ये बात कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बंबर ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों जब इसी ड्रग माफिया के लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ड्राइवर के साथ मारपीट की और उस समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा, लेकिन उस दौरान एक पुलिस अधिकारी की बाजू टूट गई। उन्होंने कहा कि इस ड्रग माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इनको सबसे बड़ा समर्थन भाजपा के ही लोगों का मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक सुभाष ठाकुर के इशारे पर ये सभी माफिया के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं को कोई हानि ना पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार के अलावा जिला प्रशासन की है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर में कोई भी विकास कार्य पिछले 3 सालों में क्षेत्र में नहीं करवाया है और मात्र ड्रग माफिया के इन लोगों के साथ फोटो खिंचवाने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि अब कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट ना दे और उनके मंसूबे पूरे हो सके। पिछले महीने मेरे गाँव भगेड़ चौक के पास कुछ गुंडों ने जो चिट्टा बेचते हैं, नशा बेचते हैं, भांग बेचते हैं, उन लोगों ने नशे में धुत होकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ड्राइवर के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी के साथ लूटपाट की और उसके मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा, पुलिस प्रमुख को, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन गुंडों को दबोचा और उनको पकड़ने के चक्कर में उन्होंने पुलिस के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया और एक पुलिस के अधिकारी की बाजू टूट गई। उसमें ये कानून व्यवस्था का हाल है बिलासपुर के अंदर और उन गुंडों को सुभाष ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं की गैंग के कुछ लड़कों से, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, उनसे मुझे धमकी दिला रहे हैं कि तू हमारे धंधे के खिलाफ बयानबाजी करता है, तेरे को उड़ा देंगे हम, तेरा मर्डर कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना चिंताजनक स्थिति यहाँ पे हो गई है कि यदि नड्डा साहब का स्टाफ सुरक्षित नहीं है, उनका ड्राइवर सुरक्षित नहीं है जो उनकी गाड़ी चलाता था, तो क्या बंबर ठाकुर सुरक्षित होगा? वो तो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और SP साहब से, प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हमें सुरक्षा प्रदान करें और यदि आप सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे और इस प्रकार के कोई असामाजिक तत्व हमारे साथ, मेरे या मेरे परिवार के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ उठ जाते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की और सरकार की होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विधायक ने 3 वर्षों के अंदर एक नए पैसे का काम चुनाव क्षेत्र के अंदर नहीं किया। पुराने जो काम थे वो भी लटके पड़े हैं, वो भी बंद पड़े हैं। विधायक ने दी, इसने अपने 5-7 ठेकेदारों के अंदर बांट दी। मैं विधायक से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आपने केवल मात्र 5-7 ठेकेदार रखे हैं अपने अंग संग, वो 24 घंटे आपके साथ चिपके हैं और ये चिट्टा धारक आपके साथ चिपके हैं, वो आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रशासन को डर रोब दिखा रहे हैं कि हम तो विधायक के आदमी हैं। ऐसे 5-7-10 लोगों को जो तस्कर लोग हैं और जो 5-7 ठेकेदार हैं, उनमें आपने निधि बांट दी अपनी, और तस्करों को आप आशीर्वाद देकर के बिलासपुर का कौन सा विकास करने जा रहे हैं? बिलासपुर की सारी पीढ़ी खराब कर दी आपने, सारी नौजवान पीढ़ी खराब कर दी। अब विधायक को इस बात का डर है कि जब वो चुनाव क्षेत्र के किसी हिस्से में कभी कभार महीने 2 महीने में का दीवार जाता है, तो वहाँ लोग इसे सवाल जवाब करते हैं, खरी खोटी सुनने पड़ती है। इसको मालूम है कि मैं अगला चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए अब वो बंबर ठाकुर के ऊपर कीचड़ उछाल करके कोई दाग लगाना चाहता है ताकि इसको टिकट ना मिले और मैं ऐसे चुनाव जीत जाऊँ। ये विधायक इस प्रकार की मंशा लेकर के ऐसी घटिया राजनीति के ऊपर उतारू हुआ है, तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अपने विधायक को समझाएं, उसको भगवान से भी प्रार्थना है कि उसको सद्बुद्धि दे। अभी कॉलेज का रूप उसने नहीं छोड़ा अपना, कॉलेज में NSU के लड़कों को मारता था, पुलिस का जवान मारा एक बघेड़ चौक पे, तो मैंने सोचा था कि अभी ये सुधर गया है, लेकिन अभी इसमें सुधार नहीं आया है। तो भगवान सद्बुद्धि दे और मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इसके दबाव में ना करके
ऐसे तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जैसी कि आपने ब्रिगेड चौक पर की। धन्यवाद।